कलर के जरिए कैसे तय होता है मौसम का अलर्ट। देश के कई राज्यों में इन दिनों गर्मी कहर बरपा रही है, वहीं कुछ राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की तो वहीं कुछ में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जाती है। ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि मौसम विभाग कलर कोड के जरिए मौसम का अनुमान बताता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन कोड का मतलब होता क्या है, तो चलिए जान लेते हैं कि मौसम विभाग कैसे कलर कोड के जरिए मौसम का हाल बताता है। मौसम विभाग जब भी कलर कोड से मौसम की चेतावनी देता है तो उसके अलग अलग मायने होते हैं। ग्रीन अलर्ट, जब मौसम विभाग ग्रीन अलर्ट के जरिए मौसम का अनुमान बताता है तो इसका मतलब है कि कोई गंभीर मौसम नहीं है और कोई सलाह जारी नहीं की गई है। येलो अलर्ट, मौसम विभाग जब येलो अलर्ट जारी करता है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने इलाके में मौसम को लेकर सचेत रहें और सावधानियां बरतें। साफ शब्दों में कहें तो इस अलर्ट का मतलब है कि इसके अनुसार 115.6 मिमी से 204.4 मिमी तक बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट, जब किसी इलाके में या एक साथ कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होती है तो उस स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इसे बहुत तेज बारिश की संभावना जताई जाती है। इस दौरान 204.4 मिमी बारिश होने की संभावना रहती है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में हवा भी तेज रफ्तार से चलती है। ऐसे में बाहर निकलने पर भी चेतावनी दी जाती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।